राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की मांग उठाई और अपनी मांग के समर्थन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल में होर्डिंग भी लगा दी है और बताया जा रहा है कि होर्डिंग कांग्रेस नेता कृष्णा घाटगे की तरफ से लगाए गए हैं। ये देखिए तस्वीरें, हमारे देश के गौरव एवं मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उनके कार्य शैली के अनुरूप राष्ट्रीय नेतृत्व दिया जाए और ये अपील की गई है राहुल गांधी जी से। वहीं लोकसभा चुनाव में हार के बाद और राहुल गांधी के अध्यक्ष पद के इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस में लगातार इस्तीफे का दौर जारी और इसी कड़ी में मध्य प्रदेश के कद्दावर नेता और पार्टी महासचिव ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस हार के सदमे से उबर नहीं पा रही है, जहां राहुल गांधी समेत कई नेताओं ने अपने अपने पद से इस्तीफा दिया है, वहीं कई इस पशुपेश में हैं कि इस्तीफा दें या नहीं। इसी पशुपेश में फंसे 2002 से 2014 तक लगातार चार बार गुना लोकसभा सीट से सांसद रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी पार्टी महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने इस्तीफे का ऐलान ट्विटर पर किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि लोगों के फैसले को स्वीकार करते हुए और जवाबदेही लेते हुए मैंने अपना इस्तीफा AICC के महासचिव के रूप में श्री राहुल गांधी को सौंप दिया है। मैं उन्हें इस जिम्मेदारी को सौंपने के लिए और मुझे अपनी पार्टी की सेवा करने का अवसर देने के लिए धन्यवाद देता हूं। देखिए, जिंदगी में उत्तरदायित्व के साथ एक और शब्द जोड़ा जाता है और उत्तरदायित्व के साथ जो शब्द जोड़ा जाता है वो है जवाबदेही। मैंने अपना इस्तीफा आज नहीं दिया है, मैंने अपना इस्तीफा कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी जी को करीब 8-10 दिन पहले दिया था। आज खबरों में प्रकाशित हुआ है तो खबरों में प्रकाशित होने के बावजूद मैंने सोचा कि मैं स्वतः ही एक अपने तरफ से एक अनाउंसमेंट कर लूं। चुनाव परिणाम आने के बाद पहले तो पार्टी के किसी भी बड़े नेता ने हार की जिम्मेदारी नहीं ली, लेकिन जब राहुल गांधी अध्यक्ष पद से इस्तीफे के लिए अड़ गए और अध्यक्ष पद छोड़ दिया तो पार्टी के दूसरे नेता भी नैतिक दबाव में आ गए, जिसके बाद से नेताओं का पार्टी में पद छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी है। इसी कड़ी में कांग्रेस के युवा चेहरे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी महासचिव पद से इस्तीफा दे दिया है। बीते लोकसभा चुनाव में ज्योतिरादित्य खुद गुना लोकसभा सीट से चुनाव हार गए थे। कृष्णपाल सिंह यादव ने सिंधिया को उनके ही गढ़ में 1,25,549 वोटों के भारी अंतर से हराकर सियासी पंडितों को चौंका दिया था। मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के कई दिग्गज इस्तीफा दे चुके हैं। सीएम कमलनाथ पहले ही PCC चीफ के पद से इस्तीफा दे चुके हैं। वहीं दीपक बावरिया, विवेक तनखा समेत कई पदाधिकारी अपने पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। हालांकि यह सभी इस्तीफे नए कांग्रेस अध्यक्ष के बनने के बाद ही स्वीकार होंगे, तब तक सभी पदों पर बने रहेंगे। टीम न्यूज़ स्टेट।